बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मोज़ज़ अहबाब, इंसानी तारीख में बेशुमार सियाह करदार ख़वातीन गुजरी हैं, जिनमें आम ख़वातीन से लेकर शहजादियाँ और मलकाएँ तक भी शामिल हैं। इन्हीं ख़वातीन में से एक नाम एक ऐसी खातून का था जिसे एक अरसे तक मिसाली बीवी का खिताब दिया जाता रहा था। मोज़ज़ अहबाब, वीडियो की मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आप सब दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त है। तो मोज़ज़ सामीन, इस खातून का नाम मार्गरेट कैम्बल था, जिसे स्कॉटलैंड में डचेस ऑफ अर्गेल का लकब हासिल था, यानी वो एक शहजादी थी और बीबीसी मार्गरेट कैम्बल को एक अरसे तक एक मिसाली बीवी का खिताब देता रहा था। लेकिन ये हकीकत 1963 में उस वक्त चकनाचूर हुई जब मार्गरेट कैम्बल के शोहर को पता चला कि मार्गरेट कैम्बल के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 88 मर्दों के साथ जिंसी ताल्लुकात थे। तो मोज़ज़ अहबाब, इस कहानी ने उस वक्त एक बहुत बड़े स्कैंडल को जन्म दिया था और बरतानवी हुकूमत ने उस वक्त इस स्कैंडल को छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सकी। मोज़ज़ अहबाब, कहा जाता है कि मार्गरेट कैम्बल के शाही खानदान के अरकान के अलावा भी अपने ड्राइवरों, नौकरों, बवर्ची और हत्ता के दूध वाले तक के साथ भी जिंसी तल्लुकात थे। और जब 1963 में ये स्कैंडल सामने आया तो मार्गरेट कैम्बल के शोहर ने उन्हें उसी वक्त तलाक दे दी थी और मार्गरेट कैम्बल बाद 1993 में फोत हुई।